गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप यू विल बी फाइन एंड हेल्थी। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मुगल संस्कृति और आधुनिक संसार। प्रिंट कल्चर वी हैव टू बी स्टडी सम ऑफ दिस लास्ट वीडियोस दैट वी हैव टू बी कंटिन्यू चैप्टर फ्रॉम हेयर। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्रिंट कल्चर के बारे में आप लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके। दिस चैप्टर इज आल्सो फ्रॉम हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। लेट्स कंटिन्यू अबाउट दिस चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एज यू नो दैट प्रिंट कल्चर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और अगर हम यहाँ पर रोल की बात करें प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एज यू नो दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच टुक ओवर इन 1789। एज यू नो दैट 9th क्लास में आप कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं, देर आर मेनली कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देर आर मेनली सोशल कॉजेज, पोलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। When French Revolution took place in France, the Louis XVI was the ruler of France. Then we have to be talking about the French Revolution. यानी कि जो प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच की क्रांति लाने में क्या योगदान है, फ्रांस में जो क्रांति आई उसमें प्रिंट कल्चर ने क्या भूमिका अदा की। दिस क्वेश्चन हैव टू बी पुट सीन मेनी टाइम, देर आर मेनी थ्री पॉइंट्स दैट थ्री हेडिंग्स दैट यू हैव टू बी स्टडी हियर, दैट क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम्स। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर टू ऑकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि प्रिंट कल्चर का क्या रोल था फ्रांस की क्रांति लाने में। एज यू नो दैट प्रिंट कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो क्रांति है सबसे इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन माना जाता है। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई थी, लुई 16 रूलर कौन था फ्रांस का, लुई 16 वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस। लास्ट 9th क्लास में आप लोग लास्ट ईयर कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, देर आर मेनली कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाइक दैट सोशल कॉजेज, देर इज आल्सो डिस्क्रिमिनेशन, देर आर मेनली थ्री स्टेट, द कंप्लीट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन दैट, द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट एंजॉय प्रिविलेजेस, सो द थर्ड स्टेट द वर्कर एंड द पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर लुई 16। सोशल कॉजेज, पोलिटिकल कॉजेज, एंड यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज ड्यू टू दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू प्लेस। लुई 16 वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस वेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रिंट कल्चर का क्या रोल था फ्रांस की क्रांति में। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें थ्री टाइप्स के आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। द 19th सेंचुरी सा वेस्ट लीव्स ऑफ मॉस लिटरेसी इन यूरोप बिकम लार्ज नंबर रीडर अमंग चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स। फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर आया, तो जैसे ही प्रिंट कल्चर आया, प्रिंट कल्चर के आने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट आने लगी। देर आर मेनी थ्री आर्ग्यूमेंट्स दैट वी हैव टू बी डिस्कशन हियर, यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स दिए गए जिनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। थ्री टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कौन कौन सी तीन प्रमुख बातें हैं, यह प्रिंट का क्या रोल है जो तीन बातों से स्पष्ट होता है। सबसे पहले देखिए इसमें द फर्स्ट क्या दिया गया, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर, यानी कि प्रिंट आने से जो लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो थिंकर के विचार थे कहीं ना कहीं उनको प्रसिद्धि मिली, काफी पॉपुलर हुए कुछ थिंकर्स के विचार जिन्होंने लोगों में अलाइनमेंट जागरूकता लाने का प्रयास किया। कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडिंग क्रिटिकल कॉमेंट्री ऑन ट्रेडिशंस सुपरस्टिशंस एंड डिपोटिजम्स। देखिए यहाँ पर तीन वर्ड्स दिए गए हैं मेनली, कहते थे जो थिंकर थे जो इन्होंने लिखा सामूहिक रूप से, जो इनकी राइटिंग थी प्रोवाइडिंग क्रिटिकल कॉमेंट्री, कहते कि इन्होंने जो व्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशंस थे ट्रेडिशंस की इन्होंने आलोचना की इन्होंने बहुत ज्यादा। सुपरस्टिशियंस जो अंधविश्वास फैले हुए थे समाज में उसकी आलोचना की। एंड देयर इज आल्सो गिवन वर्ड डिपोटिज्म। डिपोटिज्म मीन्स क्या होता है, डिपोटिज्म का मतलब होता है निरंकुश शासन। व्हेन पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिपोटिज्म। निरंकुश तंत्र को कहते हैं, निरंकुश शासन को कहते हैं। दैट इज आल्सो ए कीवर्ड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हेन पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ए सिंगल पर्सन दैट इज कॉल्ड डिपोटिज्म। कहते हैं कि जितने भी थिंकर्स थे जितने भी विचारक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, जो समय की प्रथाएं थी, जो अंधविश्वास थे, जो निरंकुश शासन था उसकी सबकी उन्होंने आलोचना की। थिंकर के नाम यहां पर आएंगे इसमें, द राइटिंग ऑफ वोल्टेयर दैट इज द नेम दैट इज ए पॉलिटिकल थिंकर, एंड रूसो पॉलिटिकल थिंकर है ये, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था फ्रेंच की क्रांति को लाने में। जैसे वोल्टेयर और रूसो की राइटिंग थी वर वाइडली रीड, ये बहुत ज्यादा मात्रा में इन्होंने जो राइटिंग्स की इनको बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ा गया लोगों के द्वारा, जिसने लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया, उनको एनलाइटमेंट
लाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। यू मस्ट हैव बीन रिमेम्बर बोथ ऑफ दी राइटिंग वोल्टेयर एंड दी रूसो वर वाइडली द सेकेंड केस में प्रिंट क्रिएट ए न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। प्रिंट क्रिएट ए न्यू कल्चर ऑफ, यानी कि प्रिंट ने एक नया कल्चर डेवलप किया। कौन सा कल्चर था वो? डिबेट एंड डायलॉग, डिबेट और डायलॉग का कल्चर था वो। ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर री इवैल्यूएटेड एंड डिस्कस बाय द पब्लिक। कहते हैं कि पहले क्या होता था, जो भी रूल्स रूलर के द्वारा बनाए जाते थे उनको लोगों के ऊपर थोप दिया जाता था, लेकिन वो समय आ गया था। ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर री इवैल्यूएटेड, यानी कि जितने भी मूल्य थे, जितने भी नॉर्म्स थे, रूल रेगुलेशन थे, जो भी संस्थाएं बनती थी उनके ऊपर पब्लिक यानी कि डिबेट करती थी, डिस्कशन करती थी, उसी के बाद उनको मान्यता दी जाती थी। That is the second point. Print create a new culture of debate and discussion, debate or dialogue. You can say all things are debate or discussed by the public. Public को importance दी जाने लगी, जबकि आप लोग जानते हैं monarchy system में given importance to ruler, ruler को ही importance दी जाती है। Those rule and regulation that were imposed by the rulers have to be accepted by the people and no one can oppose this. कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही प्रिंट आया, प्रिंट आने के बाद एक नया कल्चर हमारे सामने आया। This culture is कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, डिबेट और डायलॉग, यानी कि हर चीज के ऊपर डिस्कशन होने लगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज बाय 1780s देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी। कहते कि जो भी कल्चर, यानी कि पहले कैसा कल्चर था, पहले कल्चर ऐसा होता था कि जो भी लिटरेचर होता था, साहित्य होता था, वो राजा के फेवर में लिखा जाता था, जो मोनार्क होते थे उन्हीं के फेवर में लिखा जाता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो रॉयल्टी को, कहीं ना कहीं रॉयल्टी के प्रति मुकदर चुप रहना, यानी कि जो कल्चर था, लिटरेचर था, साहित्य था, वो किसी भी राजा की आलोचना नहीं करता था पहले, एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी। लेकिन अब जो मोक कल्चर था, जो बिल्कुल चुप बैठा हुआ था कल्चर, जो किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं करता था, जैसे प्रिंट का डेवलपमेंट हुआ, जो यानी कि जो बिल्कुल मोक कल्चर था, उसने भी क्या किया, जो राजा की नैतिकता थी, रॉयल्टी थी, उसके वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि मॉरलिटी के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, कहीं ना कहीं नैतिकता के ऊपर। मॉरलिटी क्या होती है? अच्छाई बुराई, गुडनेस और बैडनेस होती है जो हमारे अंदर, अच्छाई बुराई, यानी कि जो राजा की अच्छाई बुराई होती थी उसके ऊपर भी क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया। दीज आर दी थ्री पॉइंट दैट हेल्प टू क्रिएट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट हेल्प टू ओपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये तीन पॉइंट्स है प्रिंट कल्चर का, क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाने में। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आई हैव टू बी पुट इन बोर्ड एग्जाम, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स। ब्रीफली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ अलाइनमेंट थिंकर। फर्स्ट पॉइंट आप लोग बना सकते हैं यहाँ से, द आइडिया ऑफ अलाइनमेंट थिंकर, थिंकर के नाम याद रखें यहाँ पर। द फर्स्ट थिंकर इज वोल्टेयर, द सेकंड इज रूसो, देयर राइटिंग इज वाइडली रीड, वाइडली रीड की गई पीपल्स के द्वारा, बिकॉज दे हैव टू बी अवेयर और अलाइनमेंट अमंग द पीपल्स। द सेकंड इज प्रिंट क्रिएट ए कल्चर ऑफ डिबेट एंड डिस्कस, डिबेट एंड डायलॉग, सेकंड याद रखें, डिबेट एंड डायलॉग, ए न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, एक नया कल्चर डेवलप हुआ डिबेट और डायलॉग। कहने का मतलब है जो भी नॉर्म्स होते थे, जो भी वैल्यूज होती थी, उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन किसके द्वारा किया जाने लगा? पब्लिक के द्वारा, जबकि पहले प्रिंट आने से पहले पब्लिक की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती थी, राजा के लिए लिखा जाता था, सारे का सारा कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता था, जो भी लिटरेचर लिखा जाता था। थर्ड, बाय द 1780s दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर, 1780 के दशक तक देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक द रॉयल्टी। कहते हैं कि जो लिटरेचर का कहीं ना कहीं जो राजा के प्रति बिल्कुल चुप रहता था वो भी फूट पड़ा, एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी, और राजा की जो नैतिकता थी उसकी भी उसने आलोचना करनी शुरू कर दी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्री पॉइंट्स दैट हैव टू बी हेल्प टू ओपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये तीन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, यू कैन से दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंट कल्चर हाउ टू ओपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द नेक्स्ट इज दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशन। कहते हैं इस तरह से जो लिटरेचर था वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड फैलता रहा, एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशन, और उसने क्रांति लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन बोर्ड एग्जाम, यू मे हैव टू बी टुक सम पॉइंट्स फ्रॉम द एनटीएससी बुक, देयर इज आल्सो सम क्वेश्चंस रीजन एंड एस्पिरेशंस लाइक दैट। थ्री पॉइंट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर, द फर्स्ट द आइडिया ऑफ अलाइनमेंट थिंकर, थिंकर के नाम याद रखे, इसमें वोल्टेयर एंड रूसो। द सेकंड इज क्रिएट ए कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, डिबेट एंड डायलॉग। थर्ड है इसमें outpouring of literature that mock the royalty and criticize their morality,
That is the third point. This literature circulated underground and led to the growth of revolution. कहते हैं जिस तरह से जो साहित्य था वो underground फैलता रहा और कहीं ना कहीं जो एक तरह से revolution में क्रांति को लाने में भी बहुत बड़ा योगदान ले किया गया. The next is the 19th century. अब बात करते हैं लोग यहाँ पर 19th century. That is the fifth content. ये fifth content है हमारा next fifth content. The 19th century. As you know that 19th century is the most important year. The fifth point. 5.5. As you know that in the 19th century, the literacy rate rose among the European country. European country का 19th century में हम literacy rate की बात करें तो बहुत ज्यादा literacy rate बढ़ा अचानक से. Children, women and the workers. Here we are talking about the children, women and the worker. हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर children, women and workers के बारे में. यानी कि जो children है, women है, workers है, किस तरीके से मदद मिली उनको. As you know that a primary education become compulsory from the late 19th century. Children become an important category of reader. Production of school textbook become critical for the publication industry. A children press devoted to literature for the children alone was set up in France in 1857. देखिए यहाँ पर सबसे important point क्या है. यहाँ पर देखिए a children press devoted child set up in France in 1857. अगर हम बात करें जो चिल्ड्रन एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो कंपलसरी कर दी गई थी यूरोप में फ्रॉम दी लेट 19th सेंचुरी तक. इसमें जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको एक विशेष कैटेगरी में रखा गया, एक विशेष कैटेगरी में उनको शामिल किया गया. यानी कि चिल्ड्रन की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बढ़ने लगी थी बच्चों को. और सबसे इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं एनडीएससी के लिए, ए चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड, यानी कि चिल्ड्रन के लिए प्रेस है, वो कहां पर सेटअप की गई थी और कब सेटअप की गई थी. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. चिल्ड्रन प्रेस, द फर्स्ट चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड चाइल्ड, जो पूर्ण रूप से बच्चों के मेटेरियल को डिवोट थी, सेटअप इन फ्रांस इन 1857. वो फ्रांस में लगी 1857 में. ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स है चिल्ड्रन की. अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में, यानी कि चिल्ड्रन की जो इंपोर्टेंस है वो हमें देखने को मिली कहीं ना कहीं. The press publish new work as well as old fairy tale and folk tale. जो प्रेस है वो नई नई और पुरानी जो कहानियां थी, लोग गीत थे, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिश करने लगी. द ग्रीम्स ब्रदर इन जर्मनी स्पेंट ईयर कंपेलिंग ट्रेडिशन फोक टेल्स गैदरिंग फ्रॉम पीजेंट. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. ग्रीम ब्रदर्स, जो ग्रीम ब्रदर्स थे, कहां से बिलोंग करते थे? ग्रीन ब्रदर, ग्रीन बंधु के नाम से इनको जाना जाता है. दैट वर बिलोंग फ्रॉम जर्मन, जर्मन से बिलोंग करते थे. कंपेलिंग फोक टेल गैदरिंग फ्रॉम पीजेंट्स, कहते हैं इन्होंने फोक टेल इकट्ठा करने के लिए पीजेंट्स की मदद ली. पीजेंट्स से, यानी कि इन्होंने जो फोक टेल होती है, लोक कहानियां होती है, उनको कलेक्ट करने का काम किया ग्रीन ब्रदर के द्वारा. ग्रीन ब्रदर का भी नाम आ जाता है इसमें. और जो भी इन्होंने कलेक्शन किया, व्हाट दे कलेक्टेड वाज एडिटेड बिफोर द स्टोरी वर पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन इन 1812. एनीथिंग दैट वॉज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपियर वर्गलर टू द एलिट्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश वर्जन. कहते हैं कि जो भी बच्चों के लिए वगलर दिखाई देता था, उसको पब्लिकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता था. रूलर फोक टेल्स दस एक्वायर ए न्यू फॉर्म इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स वर चेंज देन. कहते कि इस तरह से जो प्रिंट था वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे यहाँ पर. तो 19th सेंचुरी में हमने बात की सबसे पहले चिल्ड्रन के बारे में. चिल्ड्रन के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कब कंपलसरी कर दी गई? लेट 19th सेंचुरी में. अगर हम यूरोप की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया. तो जब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया तो उस समय पर आप लोग जानते हैं कि सारे का सारा जो लिटरेचर है, सारे का सारा जो प्रिंट मटेरियल है, वो बच्चों के लिए डिवोट किया गया. तो सबसे पहले जो प्रेस लगाएगी चिल्ड्रन के लिए वो कहां पर सेटअप हुई? फ्रांस में. एनटीएसएस स्टूडेंट, दैट मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चों के लिए पहली जो प्रेस थी वो कहां लगी थी? फ्रांस में. कब लगी थी? 1857. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट द डेट्स. 1857. ग्रीम ब्रदर्स कहां से बिलोंग करते थे? जर्मन से बिलोंग करते थे. कंपेलिंग फोक टेल गैदरिंग फ्रॉम पीजेंट्स, उन्होंने अपनी जो फोक टेल है वो कहां से इकट्ठी की? पीजेंट्स से. यानी कि जो किसान होते हैं, छोटे किसान थे, उनसे इन्होंने अपनी कहानियां इकट्ठी की. एज यू नो दैट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए कोई वल्गैरिटी, अश्लील जो पब्लिकेशन होता था उसको पब्लिश नहीं किया जाता था. कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो लिटरेचर है बच्चों के लिए लिखा जाने लगा. द सेकेंड इज हेयर वुमेन. अगर हम वुमेन की यहां पर बात करते हैं कंप्लीटली, जो वुमेन है, वुमेन की यदि हम कंप्लीट बात करते हैं तो वुमेन को भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना गया 19th सेंचुरी में. अगर हम वुमेन की कंडीशंस की बात करते हैं तो देखिए इसमें वुमेन बिकम इंपॉर्टेंट एज रीडर एज वेल एज द राइटर. कहते हैं कि जो औरतें हैं वो बहुत ही अच्छी पाठक भी बनी और लेखक भी बनी. पेनी मैगजीन वर स्पेशली मेड फॉर वुमेन.
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए कौन सी मैगजीन सबसे इंपोर्टेंट थी? पेनी मैगजीन, पेनी मैगजीन्स, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर द नेम ऑफ पेनी मैगजीन. पेनी मैगजीन बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए इंपोर्टेंट बनी. क्यों बनी है इंपोर्टेंट? एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, क्योंकि इसमें औरतों को सिखाया जाता था कि वो अपना व्यवहार कैसे करें, घर की देखभाल कैसे करें. तो वुमेन्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन थी, दैट वर पेनी मैगजीन, पेनी मैगजीन थी. वेन नोवल बिगेन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी, वुमेन वर कीन एज इंपोर्टेंट रीडर. सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर वुमेन, जेन ऑस्टिन, ब्रॉन सिस्टर, जॉर्ज एलिट. यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर और आउटलाइन दिस पॉइंट. देर आर थ्री नॉवलिस्ट, नॉवल आए थे, नॉवल में वुमेन का बहुत बड़ा रोल रहा. कहीं ना कहीं वुमेन ने रीडर का भी रोल प्ले किया और राइटर्स का भी रोल प्ले किया. यहां पर हम लोग तीन वुमेन नॉवलिस्ट की बात करते हैं, जेन ऑस्टिन, ब्रॉन सिस्टर, जॉर्ज एलिट. दैट आर दी फेमस वुमेन नॉवलिस्ट. देयर राइटिंग बिकम इंपोर्टेंट इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन, ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड दी पावर टू थिंक. कहते हैं कि इन सभी ने अपने नॉवल्स के अंदर वुमेन को एक इच्छा शक्तिवान, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, एक अच्छे व्यक्तित्व वाली, शक्तिशाली व्यक्तित्व वाली, डिटर्मिनेशन, पक्के विश्वास वाली एंड पावर टू थिंक, और एक तरह से सोचने की शक्ति वाली के रूप में दिखाने का प्रयास किया. यानी कि जो वुमेन्स है, वुमेन्स पे भी कहीं ना कहीं मेन फोकस किया गया. और मेनली अगर हम देखें तो इसमें वुमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा. वुमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज ए रीडर और एज ए राइटर. राइटर के रूप में भी काम किया इन्होंने, रीडर के रूप में भी काम किया. वेन नॉवल, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका नॉवल से रिलेटेड. तो कुछ नॉवलिस्ट वुमेन थी जिन्होंने नॉवल्स लिखे दैट वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन वुमेन लाइफ. वुमेन्स को यानी कि यहां पर साहसी दिखाने का प्रयास किया, इच्छा शक्तिशाली दिखाने का प्रयास किया गया. तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया कहीं ना कहीं वुमेन्स को जागरूक करने में. तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर द नेम ऑफ द वुमेन नॉवलिस्ट, जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन सिस्टर, जॉर्ज एलिट. देयर राइटिंग बिकम सो पॉपुलर इन वुमेन दैट हैव टू बी सोन वुमेन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड प्रॉपर टू थिंक. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्कर्स. वर्कर्स की अगर हम कंप्लीटली यहां पर बात करें, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के बारे में हम बात करते हैं. लीडिंग लीडर्स हैड बीन इन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड. इन द 19th सेंचुरी लीडिंग लाइब्रेरी इन इंग्लैंड बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर, आर्टिशियंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल. Sometimes self-education work class people wrote for themselves. After the working day, they gradually shortened from the mid-19th century. Worker had some time for self-improvement and self-expression. They wrote political tract and autobiographies in large number. As you know that is the most important question. In the 19th century, leading libraries in England become instrument for educating white-collar workers, artisan, lower middle class people. So we have to be taken here. They wrote political tract, autobiography in large number. कहते हैं कि जो workers हैं कहीं ना कहीं इनको लेकर भी लिखा जाने लगा, और कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड के अंदर libraries थी उनके अंदर भी workers को पढ़ने का मौका मिला. तो ये था इसमें हमारा content. Next, that is the content name is 19th century. 19th century में जो children थे, women थे और workers थे. Literacy rate ग्रोथ हुआ, और जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा, लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जो कंप्लीटली अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ साथ जो पाठक वर्ग हमारा या जो लिखने वाला वर्ग है उसकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट.